जनाब हमारे साथ इस टाइम हैप्पी वुमेंस डे के हवाले से हमारे साथ उस्मान फ़ानी साहब खड़े हैं और ये कोयटा से हैं। मैंने बड़ी मज़ेदार इनकी बातें सुनी स्टेज पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सर, आप स्टेज पर इतनी अच्छी बातें करते हैं या आप लाइफ में भी आप कुछ करते हो, और आपने यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया है, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम और आपकी क्या फ़नी सलाहियत थी इसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मेरे पास आ जाइए, मेरे करीब आ जाइए जी। क्या हाल चाल है? ये अल्लाह करम, आप बताइए अपने बारे में। देखें जी, आज बलूचिस्तान से आके बड़ा अच्छा लगा मुझे, और स्टेज पे मैंने जो है ना कोशिश की मुस्कुराहटें बिखेरने की, और वैसे बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ कराची, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रोजेक्ट कौन सा है? एक इवेंट करवाना चाह रहा हूँ सीज़न 9 के हवाले से, जिसमें हम डिफरेंट कल्चर्स शो करेंगे यहीं पर कराची में, जो कि एक गिफ्ट होगा बलूचिस्तान की तरफ से कराची के लिए, और इंशाल्लाह जो है ना बड़ा अच्छा लगा आज ये एक छोटी सी एक्टिविटी देख के। दिल खुश हुआ कि हमारे जो है ना फीमेल जो है आज एम्पावर हो रही हैं और अपने जो है ना लोहे को मनवा रही हैं माशरे में। लेकिन फ़ीमेल्स को अगर आप कुरान शरीफ पढ़े सूरह निसा में, फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है। तो आज माशरे में हम देखते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेल हजरात काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। बताऊँ यहाँ पर कि हमारे खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची, अपनी बेटी बीबी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ वो रवैया रखा कि वो एक मॉडल है हमारे लिए, वो दुनिया में मॉडल है, हमें मुसलमानों के लिए नहीं, ये दुनिया की हर औरत के लिए मॉडल है जो ये इत्तेकात रखते हैं कि वो वाकई ही जो हैं वो एक इंसानियत को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये तो हमने आपको बताया। अच्छा, एक ईदी वाला सिलसिला था, वो ज़रा मुझे आप क्लियर कीजिएगा। ऐसा है जी, कुछ हमारी सिस्टर्स हैं इसी जॉइन हैंड्स कम्युनिटी की ना, तो ग्रुप में जब डिस्कशन होती थी तो उन्होंने कहा ये जो हमारी एक्टिविटी है ये बिल्कुल एक ईद की तरह है ना, तो हमने कहा चलो हमें ईदी पर कौन कौन देंगे ना जी, तो उन्होंने बस हमें पकड़ लिया, पानी भाई आप हम सबको ईदी देंगे। तो हमने कहा ठीक है, इट्स ओके, अल्लाह पाक खैर करेगा। फिर इसके ऊपर काफ़ी पानी भाई ईदी पर हम भी लेंगे आप। बात तो सुने ना, हमारी जो स्टेज पर डिमांड थी वही आपसे भी होगी कि आप अभी कभी हमें सिवैयाँ खिला दें, हम आपको ईदी दे देंगे। देखिए, ईद जब ईदी दी जाती है ना, एक तोशा, एक जो है ना मिठास होती है, लेकिन ईद पूरा ना हो फीके ईद में आप कैसे जो है ना ईदी। देखिए मेरी बात सुने, हमने आपका इंटरव्यू किया, समझ लीजिए हमारी तरफ से सिवैयाँ आपको, तो हम चाहते हैं कि ईदी आप देकर जाएँ तो बेहतरीन। नहीं, इस तरह की हमें जो है ना वो सिवैयाँ नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल वो शीर खुरमा जिसे कहते हैं ना, हमें वो चाहिए। अगर आप वो अरेंज कर सकते हैं हम अभी आपको ईदी दे देंगे। बड़ी मेहरबानी, फानी साहब हमारे साथ थे, इन्होंने देखा कि किस तरीके से अपनी जान बचाइए कि हम ईदी नहीं दे सकते। सवैयों का मसला इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा हम अपने जो हमारे बॉस है, जो हमारे ऑनर हैं, उनसे ज़रूर कहेंगे कि अमीन साहब हम सवैयाँ जब भी फानी साहब आएंगे तो हम सवैयाँ तैयार करेंगे, क्योंकि हमें ईदी चाहिए और इंशाल्लाह ईदी बेहतरीन चाहिए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, मैं जाते जाते एक बात करूँगा कि हमारे केयर न्यूज़ के लिए आप कुछ कहेंगे। हाँ, केयर न्यूज़ के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं केयर न्यूज़ को, और जिस तरह ये जो है ना बलूचिस्तान में भी काफ़ी जगहों पर केयर न्यूज़ देखी जा रही है, और मुझे खुशी है कि आज मैं केयर न्यूज़ के साथ जो है ना जुड़ा हूँ। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, थैंक यू। थैंक यू।